नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच न्यू टुडे में। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरे इस चैनल के वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो नोकिया ने चाइना में अपना एक फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था नोकिया X6 और ये काफ़ी दमदार था अपने स्पेक्स के मामले में। पर इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है 13,000 में आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले देना, वो भी इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ में। तो ये इसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसने अपने पहले सेल में 10 सेकंड के सेल में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सिर्फ 10 सेकंड में। तो इस फ़ोन में है क्या जिससे वजह से ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया? तो चलिए हम देखते हैं कि ये न्यूज़ हमें मिली है या सच है या झूठ है। तो हमें यहाँ पे मिला है gadgets.ndtv.com से। तो 10 सेकंड में नोकिया X6 है ख़त्म। और आप यहाँ पे प्राइसिंग भी देख सकते हो, बहुत चीप प्राइसिंग। अगर मैं बात करूँ आपको इसके स्पेक्स के साथ में तो बहुत ही दमदार प्राइसिंग है। अगर इंडिया में इसी प्राइसिंग पर ये फ़ोन लॉन्च हुआ ना, मार्केट हिल जाएगा। तो आखिर इस फ़ोन में है क्या जो ये पहले ही सेल में आउट ऑफ स्टॉक? पहली बात इसका प्रोसेसर, दूसरी बात इसका डिस्प्ले, थर्ड इसका डिज़ाइन। तीनों ही चीज़ों में इसने काफ़ी अच्छा प्लस लिया है। और बैटरी भी इसमें काफ़ी अच्छी है जो कि 3000 से कुछ ज़्यादा है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर नोकिया ने यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करता है ना ये फ़ोन, क्या बोलने के कुछ वर्ड्स नहीं है। इतने अच्छे फ़ोन ये इसने लॉन्च किया है पहली बार अपने HDM से कुछ भी है, उसका जो ओनर है उनके वजह से। तो वाह क्या बात है, पहले सेल में 10 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। HMD ने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए तालियां और लाइक कर दो एक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसा वीडियोस पसंद आते हैं टेक न्यूज़ वाले तो प्लीज़ सब्सक्राइब। 6 million ways to die, choose one.